الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم लगाम चेक कर लिया हजरात आज हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब में हाजिर हैं बिरादरी गिरामी करम फरमा हजरत अल्लामा कारी नासिर रदा साहब टिकला ने हुक्म दिया मैं उनके हुक्म पे हाजिर हुआ इन नौजवानों की मोहब्बत देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई अल्लाह ताला सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ऐनमा तकुनु तुम जहाँ कहीं भी रहोगे युद्रिक कुमुल मौत मौत का फरिश्ता तुम तक पहुँचेगा मौत तुमको पकड़े وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ کسی مضبوط کوٹھری میں ہو جاؤ کہ موت کا فرشتہ نہ آ پائے لیکن آئے گا ہاں کچھ در ایسے ہیں جہاں ان کو بھی सोचना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता पहुंचा था। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने किस लिए आए? कहा रूह कब्ज करने के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाले पैगंबर थे, तमाचा मारा मलकुल मौत को, कहा अभी दीन का काम मुझे करना है और तुम मौत के लिए आ गए। इतनी जोर का तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। तो गए ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहा उसके या परवरदिगार कहाँ भेज दिए तुमने, तो इतना जलाली है कि न बाघ न चीर। पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा रूह कब्ज करने के लिए, तो उसने तमाचा मारा। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से फरिश्ते की आंख को सही किया। फिर फरमाया कि जाओ मूसा से कह दो कितना जीना चाहता है, जाओ कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उसकी बढ़ा दो। ये शान है नबियों की। हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आओ था, अब्बा बैठे हैं,
चाहे चाहे बोलत है कि एकदम से हक से गायब, कहाँ चले गए खोले के चला का कुछ पता नहीं। बोलो जी, वह भी कहा थे उन्होंने इंसान हम इंसान, वहावियों से पूछे ना, इनका तो पैखाने में दुखड़ गई। बोलो बड़ी शान है नबियों की, बहुत शान है। मलकुल मौत आए और कहा है मूसा पैगंबर, अगर आप भी जीना चाहते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि बैल के पीठ पर हाथ रखो, जितने बाल उस आपके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहि सलाम फरमाते उनके बाद क्या हुई फिर? उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर फिर आऊंगा रूह कब्ज करने के लिए। तो कहा जब मरना ही है तो मार दो, जब मौत ही आनी है तो अब रूह कब्ज कर ले। तो मलकुल मौत ने मूसा अलैहि सलाम की रूह को कब्ज फरमाई। पता चला कि मौत का फरिश्ता पहुंचेगा तो सब तक, लेकिन कहीं कहीं हैसियतें बदली हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मौत का वक्त आया, हदीस में है लम्मा नज़ला अलैहा मलकुल मौत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब मौत का फरिश्ता हजरत फातिमा के यहाँ नाजिल हुआ, वक़रअ अलबाब, और दरवाजा को आके खटखटाया। बताओ है कोई दरवाजा जहाँ मलकुल मौत दरवाजा खटखटे? दरवाजा खटखटाया, फातिमा कहते कौन? कहा मैं मौत का फरिश्ता, इधर आई हूँ रूह निकालने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती सुन ले, जिंदगी गुजर गई, मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, मैं नबी की बेटी हूँ। मैंने पर्दे का इतना एहतमाम किया कि जिंदगी में किसी अजनबी ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं चाहते कि मरने के वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। हदीस पाक में है कि वो मौत का फरिश्ता वापस हो गया, فقبض الله روحها, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद अल्लाह ने फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। ये फातिमा का दर्जा है अल्लाह की बारगाह में कि मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं घुसा। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। दो दरवाजे ऐसे हो गए जहां मलकुल मौत को इजाजत लेने के लिए पूछना पड़ा। अब एक और तीसरा दरवाजा देखो जो हम सबके पैगंबर हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त था, मोबाइल में कर दो, जागने का आलम था। हुजूर के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था और हुजूर उस तसले के पानी में दोनों हाथ डालते फिर निकालते, डालते फिर निकालते, और कहते अल्लाहुम्मा रफीक अल आला, माशाअल्लाह अल्लाह तू बुलंद है, तू ही बेहतरीन साथी, बेशक बेशक
अपने रब को याद किया, अल्लाह तो सबसे बेहतरीन साथी है। खराब है। उसके बाद हुजूर दोनों हाथों को डालते रहे, निकालते रहे और फरमाते थे, खराब है यू। अस्सलातु वमा मलकत अयमानुकुम, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातो नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत अयमानुकुम और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत हैं। उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न होने पाए। मातहत में बीवी आती है, औलादे भी हैं, मजदूर भी है, नौकर भी है, जानवर भी हैं, ये सब हमारे मातहत हैं। सरकार फरमाते हैं इन पर जुल्म न होने पाए, इनका ख्याल रखना। इतने में दरवाजा खटखटाया किसी ने, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, दरवाजा खटखटाने वाले वापस जा, आज मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, वापस जाओ, अबू की तबीयत अलील है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते गए, जानने वाले नबी, हम तुम घर में बैठे हो, कोई दरवाजा खटखटावे तो जान मिली को आए, बोलो भाई। लेकिन गैर जानने वाले मेरे पैगंबर फरमाते हैं, फातिमा दरवाजा खोल दो, ये रोजाने का आने वाला इंसान नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी में एक मरतबा आता है, रोजाना आने वाला नहीं है, ये मलकुल मौत है जो आज रूह निकालने के लिए हाजिर हुए हैं। फातिमा दरवाजा खोल दो, मलकुल मौत आया और हुजूर की रूह निकालने लगा तो हुजूर को तकलीफ हुई। हुजूर ने फरमाया, रुको, जितनी तकलीफ हमको हो रही है ऐसे ही रूह निकालने में मेरी उम्मत को भी तकलीफ होती है। कहा, हुजूर आपकी रूह तो एक उंगली से निकाल रहा हूँ और आपकी उम्मत की रूह दोनों हाथों को डाल के निकालता हूँ। सरकार की आंखों में आंसू आए, फरमाते हैं, जब एक उंगली से मेरी रूह निकालते हो तो हमें इतनी तकलीफ हो रही है और दोनों हाथों से डालकर रूह निकालोगे तो मेरी उम्मत को कितनी तकलीफ होती हो। हुजूर ने फरमाया, कयामत तक रूह निकालने में जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। ये दर्द था मेरे नबी को अपनी उम्मत से।